आप लोगों से माफी चाहता हूँ लेट आने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम बड़े होते जा रहे हैं, लोग पार करते जा रहे हैं और लोग जो है इस कदर प्यार कर रहे हैं कि मतलब उम्मीद से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। एमरजेंसी बुलाने का आपको इसलिए मैंने एमरजेंसी याद किया कि चुनाव बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब हमें महसूस हो रहा है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हो गया है। एक तरफ आपको भी पता है कौन चुनाव लड़ रहा है, प्रशासन शासन उस राजा के बेटे को लड़ाने पर लगा हुआ है। हमारे नेताओं को कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है, पुलिस उनके लिए एजेंट बनकर काम कर रही है। अगर ऐसे काम चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। उनको लगता है कि जमीन खिसक रही है, वो गांव में जो शराब निकल रहा है, जो आशीर्वाद दे रहा है, उस आशीर्वाद को देख के जो हजूम दिख रहा है छत्तीस बिरादरी का, जो छत्तीस बिरादरी का हजूम लग रहा है, जो आशीर्वाद मुझको मिल रहा है उससे जो है, जो हमारे राजा देश के राजा है जिनका बेटा मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, उनका वैसा महसूस हो रहा है ऐसा ना हो किसान का बेटा चुनाव जीत जाए। उन्होंने हमारे खिलाफ चाहे वो थाने हो चाहे बड़े अधिकारी हो खुल के ये बोल दिया गया कि अब दबा के अत्याचार होगा। मैं आपके माध्यम से अपने नौड़े जनता को ये कहना चाहता हूं कि क्या राजा के सामने कुछ चुनाव न लड़े, क्या मैंने गलती की नॉमिनेशन करके, अगर आज मेरे पिताजी मेरे बीच में नहीं है और मैं किसान का बेटा हूं तो इसमें मेरी कोई गलती है क्या? क्या मैं चुनाव जीत नहीं सकता क्या? वही जीतेगा। इस शोषण का कारण क्या है? जो जो कार्यकर्ता जिंदाबाद बोल देता है उसके जाके मकान तोड़ देते हैं, घर में बदतमीजी कर देते हैं, धमकी दी जाती है। कि आप जो है भावुक है, इसकी वजह क्या है? भावुक इसलिए हूँ कि बड़ी उम्मीद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत उम्मीद से लोगों के बीच में वोट मांग रहा हूँ, आशीर्वाद मिल भी रहा है, उम्मीद भी जागी है कि चुनाव जीत सकता हूँ। लेकिन दो दिन से नीचे करो मुंह से नीचे भाई। लेकिन दो दिन से ऐसी हरकतें हो रही है कि पुलिस बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता का शोषण कर रही है, जो लोग हमारे साथ हैं उनके बदतमीजी हो रही है, उनके घर पे बदतमीजी की जा रही है। सेक्टर 16 में एक महिला बेचारी गरीब है, उसने जो है सुनील चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। किसके सामने लगाए? एक हमारे यहाँ वो आए थे, क्या कहते हैं, मनोज तिवारी आए थे, उसकी वीडियो चली, आज उसका घर जाके तोड़ दिया गया, मेरे पोस्टर उसके घर के अंदर, मेरे बैनर लगे थे वो फाड़ दिए गए, मेरे कैलेंडर लगे थे फाड़ दिए गए। कैसे तो चुनाव नहीं होगा? अगर आपको ऐसे ही अपने बेटे को एमएलए बनाना है तो मैं तो ऐसे ही सर्टिफिकेट देने को तैयार हूँ, मैं दे दूंगा सर्टिफिकेट, पर नहीं ऐसे मत करो, फिर हम जैसा आदमी क्या क्या कैसे चुनाव लड़ेगा? मैं गली गली घूम रहा हूँ, मैं रात के एक दो दो बजे पहुँच रहा हूँ, सुबह 5 बजे चला जाता हूँ, मेरी बगल में मेरी बीबी खड़ी हुई है, ये सुबह के 7 बजे निकल जाती है, रात के 12 बजे आती है, लोगों के पैर छू रही है, बात कर रही है, वोट मांग रही है। पर अगर पुलिस ऐसे चुनाव लड़ेगी, मेरे बस की तो चुनाव लड़ना नहीं है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ, मेरा इतना कसूर है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, अगर इसका सामना तो भैया को बड़ा राजा ही कर सकता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ अपने पंकज भाई से, पंकज भाई मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने मुझे कहा था सुनील भाई ठीक है हार जीत तो चलती रहती है पर कोई बात नहीं साथ रहेंगे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पिताजी इतनी गंदी राजनीति करेंगे। कहते हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, किसान बताते हैं किसान भी है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसी हरकत करेंगे मुझे उम्मीद नहीं है। मैं इतना कह देना चाहता हूँ, अगर एक दो दिन यही बदतमीजी होती रही मैं अपने परिवार के साथ बच्चों से आत्महत्या कर लूँगा, मैं ऐसी राजनीति नहीं जी सकता ना ऐसे कर सकता। मैंने जो है सीपी के खिलाफ शिकायत दी, करीब शिकायत को 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, एडिशनल सिर्फ रणविजय के खिलाफ मैंने दिया 15-20 दिन हो गए, 2 SO के खिलाफ मैंने शिकायत दी 15 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई हो जाएगी? जब राजा ही मालिक है तो कार्रवाई नहीं हो सकती ना, फिर क्या फायदा इस प्रजा का? हम तो जूतों के नीचे कुचलने वाले लोग हैं, ये तो प्रयास कर रहे हैं जूते के नीचे कुचलेंगे हमें, पर मुझे अपनी नौड़ा जनता पर पूरी उम्मीद है वो मुझे कुचलने नहीं देगी, क्योंकि अब की बार मुझे नौड़ा जनता लड़ा रही है, मैं अकेला। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।